अभी तो चल रहा नहीं नहीं बस ठीक है बैठ के बाद में चलना बस रहने दो पकड़ के रखो 5 मिनट फिर छोड़ देना बस ठीक है छोड़ दो उतनी लेटर आई बस आ जा बस जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लिंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक टूर चल रहा था हमारा जेट की आखिरी परवाज़ पर जिसमें हमने उस्ताद अदनान खान साहब जो हैं मर्दान से उनकी हमने कल लास्ट परवाज की कवरेज की और उसके बाद हमने रात को आना था इधर विक्ट्री स्टैंड पे एक और जो पंजाब का ये टूर्नामेंट चैम्पियन ऑल पंजाब यूके कप 11 रोज इसकी कवरेज के लिए शाम को रात को पहुंचना था लेकिन वहां पे चूंकि गाड़ी का थोड़ा मसला हो गया था तो हम पहुंच नहीं सके तो ये जनाब उस्ताद मलिक अजमल साहब जो कि यहाँ पे चैम्पियन हुए हैं 1044 घंटे पूरे और 11 सेकंड के साथ सर फहरिस्त रहे हैं बड़ी शानदार परवाजें बड़ा बेहतरीन जो है इनकी परफॉर्मेंस रही तो इस साल जेट में जो है लोगों के जहां कबूतर मर रहे थे जहां परेशानी थी लोगों को इतने मसाइल थे सारे उसमें जो है कुछ लोगों के कबूतर बहुत आउटस्टैंडिंग भी उड़े जिनमें से एक नाम जनाब उस्ताद मलिक अजमल साहब का भी है बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं लास्ट हमने जब टेक्सला आए थे तो इनका एक इंटरव्यू किया था उसमें इन्होंने बहुत सी बातें भी बड़ी कीमती बातें आप लोगों के लिए की थी उस्ताद आशिक हुसैन साहब की जेर सरपरस्ती जेर साया ये छत उड़ती है मलिक कासिम अली साहब जो कि इनके भाई हैं और डॉक्टर नईम जहाँ साहब ऊपर उनकी तस्वीरें भी आपने देखी और इनके जो टीम में मलिक सुफियान मानी साहब और मलिक उस्मान साहब शेख उमैर साहब और मलिक मिनहाज साहब ये इनकी टीम का एक अहम हिस्सा है तो इस छत से ये शौक हुआ है बड़ी शानदार छत है छत की भी आपको लोकेशन देंगे मलिक कासिम अली साहब भी हमारे साथ हैं लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे चैम्पियन ऑल पंजाब यूके 11 रोज़ा टूर्नामेंट जो हैं जनाब उस्ताद मलिक अजमल साहब उनसे और मैं नुमान से कहूँगा नुमान सामने इनके सामने आ जाए हम बात करेंगे बड़ी जो है शफीकाना तबीयत और बड़े अच्छे इंसान हैं बड़े मेहमान नवाज और खूबसूरत शख्सियत के मालिक इंसान हैं एडवोकेट हैं तो और ये बात करने का मज़ा आता है एक पढ़े लिखे इंसान से वैसे भी आपको पता कि वैसे ही एक खूबसूरत अल्फाज का चुनाव इनके पास है तो हम इनसे बात करते हैं उस्ताद मलिक अजमल साहब अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक ठाक है माशाल्लाह लास्ट हम आपके पास आए थे तो आप बता रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं बड़े जोर शोर पे और बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको जो है वो कामयाबी से नवाजा तो क्या फील कर रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है कमरान भाई सबसे पहले तो आपका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस जीत की खुशी में हमारे साहब ने जी बहुत शुक्रिया वेलकम कहते हैं थैंक यू वेरी मच तो दूसरा इसमें जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें खास अनायत थी अल्लाह ताला का शुक्र है दूसरा उसके बाद जो है हमारे जो सरपरस्त आला उस्ताद आशिक हुसैन साहब हैं जी बहुत बड़ी हमारी इस कामयाबी में से है अल्लाह ताला उनकी सेहत दे उनको लंबी ज़िंदगी दे हमें मतलब जो हमारी कबूतरबाजी का रूज है या जो भी है वो उनके ज़रिए है हमेशा उन्होंने हम पर शफकत की साया किया तो उनका भी बहुत क्रेडिट जाता है इसमें जी बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद जो है लोकल सतह पे हमारे ने जो मेरे उस्ताद हैं जसदीन साहब बुनियादी चीज़ें उनसे सीखी थी उनका भी हमको तो माशाल्लाह मतलब इस दफ़ा हमारा जो काफ़ी चीज़ें फैक्टर होती हैं जो आपको कामयाबी में मतलब वो आ जाती हैं तो जो मेरा जहाँ तक अपना वो राय है कि हमें इस दफ़ा हमारा जो टेक्सला का जो लोकेशन है मौसम हमें मौसम ने इस दफ़ा साथ दिया है क्योंकि हमें टेम्परेचर वही रहा है टेम्परेचर की बात नहीं लेकिन हमारा हवाएं ज़रा कम रही हैं एक दो दफ़ा रहता है ना कि हमारा दिन में 2-3 दफ़ा मौसम बदलता रहता है हमारे इलाके का तो उसमें इस दफ़ा हमारा एक पहली परवाज़ में हमारा उसी तरह 3:30 बजे तूफान आ गया
अचानक आया, कबूतर खड़े थे, तीन कबूतर नहीं आए, एक शाम तक वापस आया, वो नुकसान हमें होगा पहले दिन, तो सातवीं फड़क हमें नुकसान हुआ। इसी तरह तीन मेरे यहाँ तो बहुत गए हैं कबूतरों के, लोगों के एक एक दो दो बैठे हैं, अल्लाह का करम हो गया हमारे उस दिन आठ कबूतर बैठ गए थे, तीन कबूतर हमारे नहीं बैठ सके, तूफान में वो चले गए। दो दिन यानी कि 11 दिनों में हमें तूफान का सामना करना पड़ा, बाकी हमारा तकरीबन 9 दिन हमें अच्छा लगा हुआ मौसम मिला, जो मौसम हम कहते हैं ना लगा हुआ मिल गया। जी जी, आपको मतलब कबूतर की भी कैपेसिटी अपनी भी मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर आपको ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस इलाके का मौसम हमें इस दफ़ा वाकफ आया या अच्छा है, तो मौसम का भी हमें बड़ा वो एडवांटेज मिला, एडवांटेज मिला उस वजह से कबूतरों का। 10-12 साल में पहली दफ़ा हुआ कि इस एरिया में जरा मौसम खड़ा हुआ, 10-12 साल में पहले। हम अक्सर यही जिक्र करते हैं कि हमें मौसम जो है ना वो करता है, मेहनत भी हमारी उतनी होती है, कबूतर भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं, बाकी एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन हमें मौसम नुकसान देता है। इस तरह फर्स्ट टाइम हुआ है तो मौसम हमें साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, तो बाकी तो अलग अलग खास ना है। तो बड़ी छतें थी आपके साथ जी, हमारी हमारे इधर जो टेक्सटाइल में कंपटीशन में तकरीबन 10 से 15 छतें हैं अच्छी, जिसमें 5-6 छतों ने इस दफ़ा भी पंजाब में वो कंट्रीब्यूट किया है और बाजियाँ भी थी, तो वो भी छतें काफ़ी टफ कंपटीशन टफ था। फिर पंजाब में भी आपके पास जो छतें काफ़ी टफ थी, उस साथ मिट्टू लाली थे जी, डॉक्टर साहब थे हजरों से हमारे साथ, हमारे जो कप थे, एक कप में हमारा जो फाइनल में कंपटीशन था वो जो है ये जो KPK की छतें और थी पंजाब की उसमें था, दूसरा जो था ये जो लिखा हुआ ये चैम्पियन ये इसमें बने हैं ये आल पंजाब UK कप है जी जी, इसमें इसमें हमारे साथ जो मैं पहले मैं तो कंपटीशन में जाते रहे हैं, लेकिन आखिरी फिर में हम तीसरे नंबर पर थे, मिट्टू लाली साहब पहले नंबर पे थे और दूसरी पे थे वो अजीत अमूर साहब मंडी मोड़ वाले, इस दफ़ा उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, बहुत अच्छी इसी हाँ। लोकेशन में आ रही है, पिंडी में आ रही है, तो तीसरे नंबर पर हम थे, बिल्कुल तो, सही तो माशाल्लाह अच्छा था। मतलब इस दफ़ा हमें जैसे वो कहते हैं ना कबूतरों पर ग्रिप आपकी हो जाती है ना जब, तो फिर आप चलते जाते हैं। तो अजमल भाई इस दफ़ा जो कबूतर उड़े माशाल्लाह, मौसम भी लगा जी जी, पता भी चला कि हाँ यार हम उड़ा सकते हैं जी जी, तो इस दफ़ा आपको कोई ऐसा फील हुआ कि यार अगर ये मौसम चलते रहें तो इन इलाकों से और छतें निकल सकती हैं, प्रोग्रेस अच्छी रह सकती है? बिल्कुल ज़रूर। अब अगर आप देखें ना तो सर, तो जो अब यहाँ छतें थी ना, इतनी गर्मी के बावजूद भी कंपटीशन में हमारे जो है मतलब पीछे 4-5 छतें और थी जिनका 800-900 के मतलब उसमें तो घंटे आ रहे थे ना, तो कंपटीशन अच्छा था। अगर इस तरह चलता रहा हमें फिर मौसम ने साथ अगर दिया, तो यहाँ लोकेशन में और छतें भी हैं, और वो भी है, मतलब कबूतरबाजी यहाँ अरूज है या ठीक है, अच्छी जा रही है, सिर्फ हमें जो वो ही बात है कि मौसम हमें बाजू का। तो 1-to-1 मुकाबले भी थे जी, 1-to-1 मुकाबले तकरीबन 14-15 घरों से थे, वो सारे अलग घरों में हम जीत गए पंजाब में। अच्छा माशाल्लाह। लोकल भी थे, लोकल तो 7 दिन के थे, वो तो 7वीं में ही हमारा हो गया सर डिसाइड, वो अलग घरों में सारे जीत गए थे। तो 11 दिन का हमारे लोकल में एक वो सफीर शाह साहब हैं जी जी, उनके साथ था वो 11 दिन का लोकल में हमारा, 11 दिन का उनके साथ ही था, बाकी जो सारे पंजाब में थे। तो माशाल्लाह वो अच्छे यकीन है, उनसे भी तकरीबन बहुत ज़्यादा लीड से हम जीत गए थे, तकरीबन 10वीं बाजी में ही वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सही, तो क्या फ़र्क देखा आपने पंजाब में, बिलखसूस जो उस्ताद आशिक हुसैन साहब सियालकोट में, उनके इर्द गिर्द की पट्टी और उनकी पट्टी जो है उसमें तो कबूतर उड़े ही नहीं ना, इस दफ़ा उनके साथ इतनी बैड लगी कि हवाएं नहीं रुकी वहाँ पे, और गर्म हवाएं लू जिसको कहते हैं वो चलती रही, तो बाकी पंजाब में ज़रा कहीं कहीं टिकवा मौसम था, हाँ था टेम्परेचर ज़रूर था लेकिन ठहराव था मौसम, तो वहाँ उड़ा। तो क्या समझते हैं आपके इस तरह रहा, तो मेरे ख्याल सियालकोट और खारियाँ गुजरात ये पट्टी तो आइंदा भी फिर कोई बहुत अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकेगी अगर ये लू चलती नहीं। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, पहले भी मैंने कहा कि वो इस दफ़ा हमारा इधर मौसम ठीक हो गया तो उनका ख़राब हो गया। सियालकोट का मौसम वैसे भी हमारे इधर मौसम वहाँ भी पहाड़ियाँ हैं वो साथ जम्मू की साइड की, हाँ तो इधर भी है वो उसमें इफेक्ट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन देखिए उनके शौक जो है, शौक तो देखिए आशिक साहब हैं, मोइनवाज साहब हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, शौक तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वो नहीं, कारीगर खिलाड़ी हैं, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसी पोजीशन सिचुएशन आ गई है, तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम तो अच्छा शौक मिलेगा। अच्छा अजमल भाई, एक जुबान से आम बात थी पिछले जेठ तक कि जब पहाड़ियाँ और इस तरह का इलाका आ जाता है ना, तो कबूतरों को बंद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गहराई कर जाएंगे तो कबूतर निकलना मुश्किल है, या इन इलाकों में फिर कबूतर उड़ेंगे नहीं,
जबकि जो इस दफा देखा गया कि जिस शख्स ने उस थ्योरी पर अमल किया ना, जिसके कबूतर नीचे रह गए, उसके कबूतरों को हवा ने जैसे चाट नहीं लिया होता, बिल्कुल चाट लिया, खुश होके गिरे हैं, मर गए हैं, संभाले नहीं गए, कई जगहों पर तो ये हुआ है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बारे में कि वाकई ऐसा है? इसमें कहा भी मैं कहता हूँ, पहले मैंने कहा था कि हमारे जो इलाके का कबूतर है ना, हर इलाके का कबूतर, वो जो कबूतर होते हैं वो खुद अपना वो अपने इलाके के साथ अपने आप को डाल लेते हैं, फिर हम साथ ही साथ में उसी तरह कबूतरों को भी हमने अपने इलाके के हिसाब से वो बनाया है या अपने हिसाब से। तो हमारे इलाके के कबूतर जो है ना, अब जो हमारे इधर जो कबूतर हमने जो बनाए हुए हैं, ये कबूतर हमारे मौसम के हिसाब से ज़्यादा जो कामयाब हैं या जो हमें अच्छे प्राप्त हैं, वो मौसम के हिसाब से उड़ते हैं। कैसे मौसम के हिसाब से? जिस दिन लगा हुआ मौसम है उस दिन गहराई में चले जाएंगे, जिस दिन महसूस करेंगे आज कुछ मामला ख़राब हैं वो नीचे रुक जाएंगे, नीचे से मुराद के पहले आसमान में चले जाएंगे। वो अपने आप उस तरह एडजस्ट किया हुआ है, वो हमारा उस तरह चल रहा है। एक तो ये है कि वो कबूतर जब लगा हुआ मौसम मिला है तो उन कबूतरों ने अपना वो काम किया है, और दिन में दो तीन दफ़ा वो कबूतर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो जो पहले होता था कि सियालकोटी कबूतर प्योर हालत में या इस तरह नहीं, मेरा ख्याल क्रॉस कबूतरों ने इस दफ़ा ज़्यादा काम। मैं आपको दोनों कमना भी मेरे आपको देखा, जो हमने कबूतर उड़ता है ना वही बनाया है हमने अपने, तो उसमें क्रॉस ज्यादा अच्छी नस्लें हैं, सब कुछ है। देखें हर जो नस्ल हिट हुई है कामयाब, मतलब मशहूर हुई है। नहीं, मेरे कहने का मतलब प्योर से ज्यादा क्रॉस जो है इस दफा काम किया बनता ही क्रॉस है, क्रॉस से काम चला है, और कॉम्पैक्ट साइज, ज्यादा साइज भी छोटा रहा है तो काम किया उसने। तो मेन बात है, आप जितने बंदों के कबूतर बहुत अच्छी प्रॉफिट पिछले अरसे में दे रहे थे, जी जी, इस दफा वो कबूतरों की प्रॉफिट नहीं आई, उस्तादों के नाम से, लेकिन अच्छे जो आ रहे थे उनमें से एक चीज़ है, अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस वो वेट था, इस दफ़ा गर्मी ज्यादा पड़ी है। जी जी, जब गर्मी ज्यादा पड़ी है तो उसमें ज्यादा वेट लगे। कासिम भाई, वक्त जाया कि बगैर ना, जो दो या तीन हमारे हाईएस्ट कबूतर उड़े ना, जिनके मतलब ज्यादा घंटे हैं, दो कबूतर या तीन, वो जरा ऊपर से मंगवा लें, हम यहाँ शौक करा दें, बाकी जो नुमान इकट्ठे वीडियो में ऊपर दिखा देगा, क्या ख्याल है? ठीक है, ऊपर या वेक बात दिखा देंगे, यहाँ पे हम बैठे हुए बात करते रहेंगे ना, उसमें दो कबूतर वो दिखा दें जो हाईएस्ट हमारी परवाजें रही है, जो 11 पूरे दिन भी उड़ते रहे, कबूतर ने अपने आप को जिसने वो एडजस्ट किया उसी तरह उड़े, तो इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है। प्रोग्रेस हमारी पहले भी अच्छी थी, पहले भी अच्छी थी, लेकिन हमने वो हमारे कबूतर की शार्टेज ज्यादा हो जाती खराब मौसम होने से। इस दफा हमारे टोटल जो है वो 9 कबूतर शार्ट हुए। अच्छा, 9 टोटल 9 कबूतर हमारे बाजियों में शार्ट हुए, बाजियों में 9 हमारे 11 दिनों में 9 कबूतर शार्ट। इससे पहले हमारी 17-18 प्रोग्रेशन चली जाती खराब मौसम, इनमें 9 में भी 6 कबूतर हमारे खराब मौसम में गए हैं। 3 कबूतर एक ही दिन चले गए, लेके गए, मतलब 3 एक दिन गए हैं पहली फिरत में, और 3 तो साथियों में गए हैं। तो 3 कबूतर जो थे वो सेंटर में एक एक करके गए हैं, उनमें से एक लगड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ हमारा पहाड़ी इलाके में लगड़। अच्छा, लगड़ बहुत, उधर भी कल भी लगड़ पड़ रहा था, हैरान की वाली बात है। हम कहते हैं कि गर्मी में ये माइग्रेट कर जाता है, और इस दफा गर्मी भी शिद्दत की थी, उसके बावजूद लगड़ मौजूद है। दो चीजें जो है ना वो डिफरेंट आई है सामने, हमारे एक्सपीरियंस से हट के आई है। एक तो ये है कि लगड़ हमारा जून में जो है लगड़ कम हो जाते हैं, वो क्रीज शुरू कर देते थे, कम आते थे। इस दफा लगड़ ने अभी तक वो आसमान में उसी तरह नजर आ रहे थे, एक तो ये थी। दूसरा, कबूतरों में एक अजीब सा, मतलब कि हमारे इस इलाके में शायद हो या अजीब सा मामला आता है कि कबूतरों की फिटनेस का मसला आता रहा है, कबूतरों से फिटनेस का मसला आता है, फिटनेस से कबूतर आजमा जो था ना, हाँ वो मसाइल सूख जाते थे, वो एक तो सूख रहे थे, हाँ वो सूख भी रहे थे, और पानी ज़्यादा वो करके और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। अगर अगर आप उसको थोड़ा सा करें वो वेट कर जाते थे, कुछ आ जाता था, अगर आप ना करें तो वो आजमा खराब कर रहे थे। ये ऑल राउंड हमारे इधर तो आता रहा है, और जिस बंदे के कबूतर अच्छे नहीं कर सके वो फिटनेस का मसला था उसका, गर्मी की वजह से शायद कोई हो, लेकिन ये मसाइल। तो इसका कोई हल निकाला था आपने कोई? देखिए, हमारे तो इधर शुरू से माशाल्लाह ठीक गए हैं कबूतर, पहले दिन से हमारे फिटनेस ठीक रही है, और हमें प्रॉब्लम नहीं आई। आखिरी 10वें दिन आई थी थोड़ी सी, वो भी अल्लाह का करम था, वो ठीक हो गया था। लेकिन जो इतने बंदों की आई है वो हम फिर करते रहे हैं, उसमें काफ़ी जो शिकायतों के थे या उसके थे वो आते रहे हैं उसमें से। ये कौन सा कबूतर है और कितने घंटे इसके? इसका तितली के नाम से ये हमारी निकलाई थी, इसमें नाम था इसका, और घंटे तो हमने अभी सारे एवरेज नहीं निकाले। उस्ताद बाबा सिकंदर भी देख रहे हैं जी, 4 बजे के बाद ही बैठती है माशाल्लाह। ये मतलब टेम्परेचर पूरा है उसमें, ये करती रही गोली भी नहीं, 10 तितली में
पहले दिन कितने? 15 पहले दिन ये 3-10 पे बैठी है जी, फिर बैठी है 3-31 पे, फिर बैठी है 2-32 पे, 4-32 16-32 जी, 4-32 3:04 5वीं प्रवास। अच्छा, मतलब अच्छे कभी भी निचले टाइमों में नहीं आई? हाँ नहीं, एक दिन ये इसमें आखिरी आई थी उसमें बीमार सेटिंग, वो ही इसका कितना बोलूँ, छठी में 1 बजे आ गई, 7वीं में तो तूफान आ गया था, बारिश थी बहुत ज़्यादा, 6वीं में आ गई 16:34। अच्छा, ओवरऑल 4-3 करती है। 8वीं में कितनी? 8वीं के बाद 8वीं में 2:03। अच्छा, तूफान बारिश में भी 2 बजे, 8वीं में 6:40 में 6:46 बहुत अच्छा टाइम है। फिर उसमें 8वीं में 2 बज के कुछ, और फिर आगे जब उसको मिला तो नमी मिल गई तो फिर और हिट कर आगे 6 बजे था ना, तो उसमें वापस आ गई थी ना अपना वेट, थोड़ी नमी हुई थी ना तो ये 6 बजे चली गई थी वो। अच्छा अच्छा, इसमें ग्यारहवीं इसका नाम एक नंबर के नाम से ये हमारी हुई है जी के पास जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद बाबा सिकंदर खान में जो इस दफा उस्ताद जी के पास 76 में बच्चा उड़ा है ना एक, जी जी वो एक नंबर मतलब हमारे उसकी बहन है और उनके पास भी वो 6 बजे आज तक के रिकॉर्ड का मतलब कि अपने घर से बाहर का कोई गया है बच्चा था, वो इसका भाई था। सही होगा, सही होगा, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि तूफान में ये गई है लेकिन शाम तक चढ़ के आ गई, 6:18 पे बैठी थी, 6:18 उसके बाद भी दोबारा ये उसी तरह इसकी परवाज़ें है। ये घर का बच्चा? घर का, सारे बच्चे घर के, लास्ट हमने बाहर का कोई प्रोग्राम इसके माँ बाप देखे हैं हमने जी, इसका माँ बाप आपने देखा हुआ था घर में ही था, घर में हमने शॉक करवाया था जी जी, इसको तो मेरा फेवरेट गुजर है, काला सा बाप भी हमारे पास उड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक नंबर काला सरंग है वो, बहुत उड़ा हुआ हमारे पास। टीम में कौन कौन था साथ आपके? आओ ना यार, मानी के थे इधर, हो मानी के थे उमर, इधर हो मनास, ये एक हमारे उस्मान भाई हैं, ये टीम मेंबर हैं हमारे, मालिक उस्मान, ये साथ हमारे भाई हैं, नई एंट्री थे बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये शेख उमर है जिनका ये छत जिनके नाम से है, शेख साहब हैं ये, शेख उमर साहब हैं ये, मलिक मानी साहब हैं भाई हैं, कजन भी है, और ये मलिक मनास है जिसके नाम पे छत उड़ रही है, ये सारे टीम मेंबर हैं, ये टीम आ रही पूरी, ये पूरी टीम है मतलब ये 4-5 और बाकी ये सारे हैदर अली के थे, हैदर अली जो हमारे अजमल भाई के शागिर्द हैं सारे, कोई ज्यादा ये आज मुबारकबाद देने आए मेरे लोग, ये तो कल से इधर चल रहे हैं लेकिन आज थोड़े जो है ना ये सारे इसीलिए आपकी इस वजह से मुबारक के लिए आए, ये हमारे सारे ये मानी है सारी मेहनत इसकी है जी। अच्छा अच्छा, ये रात को भी यहाँ ही होता है, रात की ड्यूटी भी यही करता था, रात को पानी देना सुबह उड़ाना सारा, तो दिन को भी ये संभाल ज्यादा। सिलेक्शन में अजमल भाई खुद की के मानी ने सिलेक्ट करके दिया क्या? सिलेक्शन सिलेक्शन इसमें कमरान भाई तकरीबन कबूतरों ने खुद ही अपनी सिलेक्शन आप ही कर दी थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनी कभी सिलेक्शन, मतलब आपस में इख्तलाफ कभी आया तो जो भी कहा वो मतलब नहीं इतराज़ करते छोटे हैं सारे, लेकिन ये है कि कबूतरों ने अपने आप को वो कर दिया था सिलेक्ट खुद ही, अंदाजा हमें हो गया, ये तो 2 साल कबूतर थे, ये तो पहले ही सिलेक्ट थे तकरीबन, मतलब फिटनेस शो कर तो आना ही आना है जो जो फिटनेस की, लेकिन बाकी जो नए कबूतर भी डाले हैं ना वो जो अच्छे मैार पर आ रहे थे, हम ये नहीं देखते कि कहाँ से आया है कैसा है मतलब क्या इसका वो है, जो कबूतर आपको दे रहा हो
अच्छी परवाजें और फिटनेस शो कर रहा हूँ, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। जो बन जा रहे थे अच्छे कबूतर उड़ रहे थे, वो आपके ये इस तरह के स्ट्रक्चर में इस तरह के कबूतर हैं। स्ट्रक्चर यही है हमारा, इससे ज्यादा अभी नहीं हम करते स्ट्रक्चर, ये गर्मी में हमें ये फायदा इसका दे देते हैं, ये नॉर्मल मौसम में भी स्ट्रक्चर हमें फायदा दे देता है और गर्मी में स्ट्रक्चर बहुत अच्छे चलते हैं। और ये अपना मलक के श्याम साहब हैं, आपके भाई बड़े वाले भेजो सर। ये जी अजमल भाई के शागिर्द हैं दोनों, ओएस भी और एहतशाम भी, और ये अजमल भाई के सीनियर शागिर्द हैं जी मलक कयाज साहब। मौसम ही आज कल ऐसे चल रहे हैं। और ये हमारे दोस्त हैं, ये दोस्त हैं जी हमारे टेक्सा के बहुत अच्छे शौकीन हैं बाबर मोगल भाई, ये अबीर भाई हैं जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, हमारे साथ शौक करते हैं। वो आफ्ताब खान साहब हैं जी अजमल भाई के शागिर्द हैं ये भी, और ये अजमल भाई के सीनियर शागिर्द हैं जी मलक उमर साहब तुर्किया से, ये भी राजा लीद अजमल भाई के शागिर्द ही समझ लें, बहुत सालों से हमारे साथ अलग है इनका। मलक आसिफ साहब हैं जी, ये भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये अजमल भाई के सबसे लास्ट वाले शागिर्द हैं जी, अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले दो हुए हैं, मलक अकरम साहब, ये दोस्त हैं हमारे मेहमान सलमान भाई, और ये मेरे आल एन वन एक ही शागिर्द हैं टेक्सा में, मेरे बाद उस्ताद आशिक सैन पार्टी के चेहरे हाफिज अली अकबर साहब जी माशाल्लाह। इस दफ़ा इन्होंने पंजाब पहली दफ़ा चार माह में छत बना के पंजाब में बाजियाँ भी खेली हैं, 11 रोज़ा टूर्नामेंट भी उड़ाया और माशाल्लाह जी बराबर रहे हैं। ये अजमल भाई के सीनियर शागिर्द हैं जी अख्तर नवाज साहब उस्मान खट्टर से जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। और ये असीब भाई हैं जी हमारे दोस्त हैं, और ये इस छत के आनर हैं जी हमारी जिन जान हैं जी शेख उमैर साहब, वो जी हमारे स्पॉन्सर हैं मीडिया स्पॉन्सर हैं हमारे हैदर अली भाई, और ये फिर एक दफ़ा मलक सुफियान मानी जी छत की डेरे की रौनक जी, और कुछ मेहमान अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर उनका ज़रा तारफ करूँ। ये ज़रा एक बात मैं पूछ रहा था वो मैं ज़रा पूछ लूँ वकील साहब से, कि वकील साहब एक बंदे को मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ, उनका आप जिक्र हमेशा करते हैं जी, जी, लेकिन मैंने आज उन्हें मिस किया, वो नहीं नज़र आ रहे, दो भाई तो नज़र आ रहे हैं डॉक्टर नईम साहब। डॉक्टर नईम साहब वो हमारे तमाम जो इस मतलब कुछ मामला आपस में ही वो कर लेते हैं, तो डॉक्टर साहब का बहुत कंट्रीब्यूटी है हमारा, इस कंट्रीब्यूशन है हमारे इस शौक में साथ था, तो अभी वो आना था लेकिन लेट हुए तो भी सैड नहीं थी, तो अभी भी इस दफ़ा मुझे जो प्रॉब्लम होती थी ना पहले मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करता था यार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर साहब से करके गिरते फिर डॉक्टर साहब से ना रहा फिर कासिम से बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब हमें कोशिश हम करते हैं लोकल हो तो हम तीनों आपस में डिस्कस करने हल निकाल लेते हैं, अगर कोई ज्यादा बहुत ज्यादा हो तो फिर उस्ताद से हम आशी साहब से करते थे, लेकिन इस दफ़ा भी माशाल्लाह एक दो दफ़ा हमें उन्हें कोई उनकी लेनी पड़ी है मदद, अदरवाइज वो है माशाल्लाह वो चलता रहे। तो डॉक्टर साहब का आपका कासिम का हमें बहुत अच्छी वो दो तीन दफ़ा ना डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा किया, एक दफ़ा जब आई एस परवाज बनी है 133 घंटे हमारे सारे तो आठवीं परग में थी, वो मैं रात को डॉक्टर साहब ने स्पेशल मुझे ताकीद किया कि आपने ऐसे नहीं करना ऐसे करना है बस आप अपने करें, तो वो डॉक्टर साहब अगर वो मुझे रात को फ़ोन ना करते तो हम भी एक दो शार्ट रात रुवा के ना वो शार्ट कर देते, तो डॉक्टर साहब की बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है हमारी इस जेल में, तो ये माशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह चलें जी। बाकी जो था पंजाब में वो आपको बता रहा था कि मतलब अभी चले वो हमने कब काम उड़ाए हैं या जो भी था वो मेन पंजाब की जो बाउंड्री है उसमें 1044 घंटे आप ही के पंजाब में आईएस हमारे हैं। हाँ, उसके अलावा किसी के भी नहीं है, अगर सारे जो पंजाब हाँ ये आपकी बैड लक ही है, ये आपकी बैड लक है जो आपने वो टूर्नामेंट छोड़ दी मिस कर दिया है, ये कासिम भाई मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हमें कुतुब फिटनेस पहले ही थी, मैंने इन्हें कहा था कि 5-6 कपों में इंट्री आप करा दो, ये काम इसके जमीन ना, अब ये एक कप है पंजाब का, बहरहाल पंजाब के टूर्नामेंट हमने एक ये और दूसरा उसमें तो आप तीसरे नंबर पे ना चैंपियन की बात कर रहे हैं, चैंपियन के बाकी अगर पंजाब में होते तो हम चैंपियन, हाँ जो खाली पंजाब के टूर्नामेंट उनमें आप हाईएस्ट बिल्कुल हाईएस्ट होते हैं बिल्कुल, ऐसी अल्लाह ताला का बड़ी हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला की जरा नवाजी जी करम नवाजी उनकी। चलें जी ये जरा ले जाइएगा, सबसे पहले अजमल भाई के बड़े बेटे हैं जी, ये अली हसन साहब ये अजमल भाई के बड़े बेटे हैं जी, स्पेशल आए हैं जो है अच्छा अच्छा ये हमारे जी मेला बबुल शेरा टूर्नामेंट उठता है जी टेक्सला का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है,
उसके ऑर्गेनाइजर हैं उस्ताद फैसल साहब, ये खलीफा मलिक मजहर साहब हैं, ये आज भी टूर्नामेंट के हवाले से आए काम। अच्छा, ये हमारे सरप्रस्त हैं टूर्नामेंट के, उमर बिलाल गुजर साहब फ्रेंड मदर, ये आज भी हम लोग जिस टूर्नामेंट के हवाले से सारा कुछ जो है ना कर रहे हैं, तो ये भी हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये एक छोटा रह गया, इसकी लाजमी बनानी है, ये नाराज हुआ हुआ है। इस छोटे वाला इसको भी जरा दिखा दें, ये स्पेशली छोटा उस्ताद है हमारा मलिक अब्दुल्ला, और ये अजमल भाई का बेटा भी छोटा माशाल्लाह, इसको भी बहुत ज़्यादा शौक है। जरा कबूतर आज कमरान भाई, हाँ ये आए, पहले भी हमारी मुलाकात तो है पिछली दफा हो गया था कमरान भाई के साथ, इसका तारुफ नहीं हो सका, आज आप जरा इससे स्पेशल सवाल करें जी कमरान भाई, सवाल करें इससे, हाँ इससे पूछें जी इसको क्या पता है कबूतरों के बारे में, पता है आपके कबूतरों के बारे में, अच्छा क्या पता है जरा बताओ इधर ये तो सही हो गया, ये तो इसकी बाजी तो औसजा से लगवाओ हमारे बेटे से, उसको टेडी अच्छे लगते हैं या शिराजी अच्छे लगते हैं, वो शिराजी उड़ाएगा तुम लक्का उड़ाना, सही है ना, मेरा बेटा उसको भी पसंद है, सही है, ठीक हो गया। कबूतर दिखाएं ले जी कासिम भाई, ऊपर चले कबूतर दिखाएं आओ जी, इस तरफ से हम चलाएं, आसमान लाइट आ जी मेरे पास आ जाओ, आए जी कमरान भाई माशाल्लाह, ये चलो जिनमान मानिया, ये कबूतर हैं जी, ये ये दोनों भी मतलब पूरे ग्यारह, ये पूरे ग्यारह दिन डले हैं ये कबूतर हमारे, ये कबूतर पूरे 11 दिन डला है, और इस कबूतर की इतनी दिलेरी है कमरान भाई, ये कबूतर ये पहले दिन है, वो जो कबूतर चला गया तीसरे नंबर पे आप आए हो इधर से आप वहां से, ये कमरान भाई ये वाला, ये हां इतना दिलेर, ये पहले दिन खराब हो गया था और अच्छा। इसकी डेथ पॉइंट पे चला गया था, जिस तरह वो कबूतर नहीं, वो चर्बी वो लीक होनी शुरू हो जाती है, और वो ये रात तक ये कबूतर की ये पोजीशन रही है, और हमने वो सारे वो कहते हैं कि इसको पेनल्टी ले लेते हैं, ये मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह ये संभलेगा, और हमने दूसरे दिन लगाई है और 43 टेम्परेचर था, और ये 10 बजे बैठा है दूसरे दिन, उसके बाद इसने कमाल की फिर फिरतें दी हैं, फिर हर फर्क में ये मतलब अपना एंडी कर जाता रहा, ये दो चार छह कबूतरों में से तीन तो वो हैं जो पूरे 11 दिन पूरे 11 दिन बाकी मादियां हैं, बिल्कुल सही हो गया, जो हमने देखी हैं वो फीमेल्स हैं उधर से, जी वो फीमेल, और वो जो कोने पे कबूतर है ना पहले नंबर पे, वो उस्ताद जी के घर से लाए थे कबूतर, उसका बच्चा है, अच्छा वो गोल्डन जो उनके मशूक नहीं बोलते जिनको, वो मशूक के बच्चे का आगे से ना बच्चा हमारे इधर से निकला था, लेकिन इसके जो है ना दादा उधर से उस्ताद जी की तरफ से, क्या बात, और ये जो उस तरफ मादी का उधर चलते हैं मादी में चलते वो भी उस्ताद जी की गाड़ी से है, उसकी भी तुझे मादिया ना पिंजरे दिखलाते हो, तो पीछे दरवाजा खुला है, वो वैसे ही लगी हुई है रात, ये कबूतरी का बाप ही जो ये भी उस्ताद जी की वजह से आया है, आशिक साहब के काला घोड़े के नाम से उनके ये कबूतर है, ये कबूतरी कमाल के तूफान में ये चली गई थी पहले दिन, और दूसरे दिन आई है ये 6 बजे शाम को, फिर हमने एक कबूतर आया हुआ है, एक तीसरी फड़क हुई दोबारा इसको डाल दिया, लेकिन इसने कमाल की परवाजें दी, ये दो गली की पट्टी हमने खींची थी, लेकिन इसने भी बहुत अच्छी परवाजें दी हैं, ये आखिरी 4 दिन फिर हमने जी हाँ छोटी, ये वही मादियां ये शुरू से हाँ, ये दो जो मादियां पहले बताई थी वही हैं, और ये पट्टी थी, और ये भी 7 दिन उड़ी, ये पट्टी ये तकरीबन 9 दिन मतलब कबूतर सारे आपके अच्छे हैं, मतलब जो कबूतर हाँ नहीं कबूतरों को माशाल्लाह इस दफा फिटनेस भी पूरी थी, और उसके बाद कबूतरों ने भी अपना पूरा मतलब जैसे ग्रिप आ जाती है ना, वो हमारा जो हम चाहते थे जैसा उस तरह कबूतर को उड़ा सकते थे इस दफा
ऐसा वो इनका बन गया था कॉम्बिनेशन। अच्छा, और कबूतरों का आपस में कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। बिल्कुल सही, वो हमने वो साथ साथ फड़कों में ना फिर वो अपने फायदा होता रहा है। अपनी टीम और अपने कबूतरों के अलावा आप किसको क्रेडिट देते हैं इस दफा की कामयाबी का? देखिए वो तो मैंने आपको पहले कहा है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की खास अनायत है हम पे हुआ है। मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन किया है, मतलब मैंने आपको बताया है। फिर हमारा जो आशिक साहब हैं वो सारा ये जे तो हम आशिक साहब के नाम करते हैं ना जी, हमारे जो हैं उनके वजह से हम आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, अब ये जो इस दफ़ा आपको एक्सपीरियंस हुआ है, तो जो अब नए आने वाले शौकीन होंगे या जिन लोगों को इस दफ़ा किसी वजह से कामयाबी नहीं हो सकी, नए शौकीनों में सीनियर तो असाज़ा कराम के साथ चले, मौसम की वजह से या कोई बैड लक की वजह से हुआ ही, तो उनको कोई टिप देना चाहेंगे आपके किस तरह के कबूतर बनाएं, किस तरह का शौक करें, क्या किस चीज़ को प्रेफर किया करें? कमरान भाई, सबसे पहले बात जो है ना, उस्ताद जो होते हैं ना वो आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आपको उस्ताद बता सकते हैं यहाँ से आपने जाना है, आगे मोड़ आएगा, आगे जाके आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उस्ताद ये कह सकते हैं आपकी उंगली पकड़ के आपको वहाँ कामयाबी तक तोड़ नहीं पहुँचा सकते। ये आपके अपने गेट्स होते हैं, अपने आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप अपना मामलात देखते हैं। फिर दूसरी बात यह है वो एक ही उस्ताद के बेशुमार शागिर्द होते हैं, कोई कहाँ चले जाते हैं वहाँ, एक तो एक चीज़ है वो अपने आप को गेट्स होने चाहिए। अब करना क्या है, सबसे जो चीज़ है जो मेरा मशवरा है या हमारा, मुझे तकरीबन 45 इयर्स ओल्ड हो गए हैं और 6-7 साल की उम्र में मैंने शौक शुरू कर दिया था, तो मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग, तो उसमें यह है कि आप जो गलती करते हैं ना, आप जब सीज़न ख़त्म होता है या कोई भी जब आप फारिग टाइम बैठते हैं, आप उस गलती का गौर से आप सोचें कि किस जगह आपसे क्या गलती हुई है और किस वजह से हुई है और इसका क्या हल होना चाहिए। जब आप गलतियों से सीखेंगे ना तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। हमसे पिछली दफ़ा ये छाती, हम 3 साल से लगातार इस छत में फाइट में आ रहे हैं, लेकिन हम जो पिछली दफ़ा हमसे काफ़ी गलतियां हुई थी या हालांकि मौसम की वजह से, लेकिन हमने फिर अब दोबारा वो कोशिश किया वो गलतियां हम ना दोहराएं, तो वो हमें उसका फ़ायदा अल्टीमेट हमें मिला है। मतलब जो आपसे नुकसान या गलती थे वो आप उसको वो कोशिश करें को दोबारा ना हो, उसका हालात निकालें। सबसे बेस्ट यही है, बाकी तो अल्लाह ताला की तरफ से खास अनायत होती है। बिल्कुल वो ही है, लेकिन ये है कि आप गौर करना चाहिए, उस्ताद जो है उन्हें भी मामला डिस्कस करनी चाहिए, कहाँ से भी हो जो भी हो, हर इलाके का थोड़ा सा पोजीशन डिफरेंट होती है ना, आपने साफ से चलना होता है। मतलब हर जो इलाका है, अब हमारा जो सतह में सिग्नल का पुराने दोस्त कासिम मलिक कासिम साहब के पास आए हुए हैं, तो सब पहले तो बहुत बहुत मुबारक कासिम भाई को भी और अजमल भाई को भी, माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, परिंदे भी इनके अच्छे हैं। जो जी, जी सर, तो मतलब माशाल्लाह इनके कबूतर भी उड़े, तो आपको भी यही लग रहा है कि जैसे जो है कबूतर यहाँ पे भी वही कबूतर चलेंगे जिस तरह के हमें लाहौर में चाहिए बंद और बुलंदी में? बिल्कुल वैसे ही चाहिए, जैसा मौसम चल रहे हैं तकरीबन परिंदे एक जैसे ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके अलावा नहीं, नीचे वाला परिंदा मुश्किल है। बिल्कुल, मौसम जो है ना इस दफा सब तरफ इक्वल था और गर्म भी था, उनके इलाके के हिसाब से गर्म था। अब जैसे कल हम गए हैं, कल जैसे हम मरदान में थे, मौसम काफी गर्म था, लग रहा था हमें खुद गर्मी लग रही, हमें खुद गर्मी लग रही, पर सीने आ रहे थे। तो कासिम भाई आप क्या कहना चाहेंगे अजमल भाई की कबूतरबाजी इस दफा की आपको भी दोबारा से स्टेज की तरफ ले गई है? कमरान भाई, मेरी तो जिस दिन का मैं शागिर्द बनना हूँ उस्ताद जी से, उस दिन का मैंने यही टारगेट रखा हुआ था कि एक दिन इंशाल्लाह हमने जो है ना पंजाब का, क्योंकि लोकल हम काफ़ी दफ़ा जीत चुके हैं और काफ़ी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी प्राइज आए हैं, लेकिन हमारा टारगेट यही था कि एक ना एक दिन हमने पंजाब को जो है ना टच करना है, क्योंकि टेक्सला में जो है ना लोग इस चीज़ को बड़ा समझते कि इम्पॉसिबल समझते थे कि ये हो ही नहीं सकता, कि हमें सारे लोग शुरू में यही कहते थे ये बेवकूफ़ हैं टेक्सला से हो गए, ये पंजाब वालों से हम मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब हमारे जितने सीनियर थे वो यही कहते थे। लेकिन मैं एक वाहिद बंदा था जो मैंने कहा था कि पहले तो अजमल भाई भी नहीं शुरू में हमें सीरियसली ये भी नहीं मानते थे कि हम पंजाब से लड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन से हमने टारगेट एक लेके चले हैं तो मौसम ऐसे थे ना, लेकिन मौसम ने इसे हमें सपोर्ट किया है इस दफा, और अगर ऐसा ही मौसम हमें जब भी मिलेगा
तो टेक्सला में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, ये नहीं कि हम ही हैं, बहुत ऐसे हैं कि हम पंजाब की टक्कर दे सकते हैं। फेवर में हो, वो कहते हैं मौसम ही नहीं हमारी फेवर में आता, बिल्कुल साल यही प्रॉब्लम। लेकिन याद है एक दिन रात को 3 बजे आपने बारिश की वीडियो लगाई, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन ये है कि अब हम कोशिश करके काफी 90% तक इस लेवल पे पहुंच गए कि हमारे कबूतर जो है ना ऐसे बन चुके हैं कि जो मौसमों की मार खा खा के ना वो एडजस्ट हो गए। बात ये कि हमने अपने इलाके के हिसाब से ना कबूतर बनाने हैं, तो वो हमने काफी हद तक कर लिए हैं। तीन छतें उड़ रही है ना पंजाब ने, अब चौथी भी हमारा शागिर्द अयाज वो भी आ रहा है, एक डॉक्टर साहब की छत है वो भी पंजाब में उड़ रही है, कासम जिस छत पे शौकर है वो भी उड़ रही है, अबू बकर वाली, अली अकबर वाली, तो ये छत हम तीन छतें शौक पंजाब से इंशाल्लाह 4 छतें हमारी उड़ती रहेंगी। तो एक बात कमरान भाई आपने किया वो मैं वो जहन में आ रही थी जो कबूतरों की आपने बात की ना, कबूतरों की देखे सबसे पहले नस्ल तो ब्लड अच्छी चीज़ है, फिर उसका स्ट्रक्चर ब्लड के साथ उसका स्ट्रक्चर उसको साथ दे तो फिर वो कबूतर अच्छा, जब स्ट्रक्चर भी हो जाए ब्लड भी अच्छा हो जाए कबूतर उड़ना भी शुरू कर दे कच्ची पड़कों में वो अपने आप को बना ले। अच्छा फिर सबसे बाद इस गर्मी में एक चीज़ और आई है, ये सारी खूबी होने के बावजूद आपने अगर देखा होगा या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें जब गर्मी पड़ी है ना तो बड़े अच्छे अच्छे कबूतरों ने आसमान जाना छोड़ दिया जी, यही उसमें तो उसमें एक चीज मैच जो किया उसमें कबूतर की दिलेरी जो आगे वो उसको आती है, जिस कबूतर ने दिल अच्छा नहीं छोड़ा ना, जिस कबूतर ने दिल नहीं छोड़ा दिलेरी या पीछे चाहे नस्ल से आई चाहे उसके अपनी से, वो कबूतर ने दिलेरी किया और गर्मी में भी उसने अपना उड़ना शुरू किया। अच्छा दिलेरी अब मैंने आपको वो कबूतर बताया ना, अब वो कबूतर ने इतनी दिलेरी दिखाई, अब इन सारे कबूतरों ने अब मतलब जितनी भी गर्मी पड़ी है जिस दिन हमारा 44 टेम्परेचर भी था ना ये कबूतर सारे आसमान गए हैं। अब ये जो पहले नंबर पे कबूतर लगाए हुए ना ये कबूतर ये कबूतर हमारा 6 बजे बैठा है 8वीं फेरत में, तो 9वीं में ये फिर 2-2.5 बजे बैठा है और इससे हमें समझ नहीं आया ये कबूतर खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि कबूतर रात को सारा इसने उगल दिया दाना, सुबह उड़ना था मैंने रात को उसमें मानी ने और मैंने ला के इसको रात को हमने सेट किया, सुबह ये सारे कहते हैं पेनल्टी ले लें, मैंने कहा नहीं पेनल्टी इसमें दिलेरी हमें पता है ये कुछ ना कुछ करेगा, एक दिन रह गया हम पेनल्टी लेके क्या करेंगे, ये कबूतर हमने उड़ाया है और ये कबूतर उस दिन भी 11:30 बजे बैठा है और उस हालत में ये आसमान गया है, टेम्परेचर भी 43 था 10वीं पड़क में भी ये उस हालत में भी ये आसमान गया है और उसके बाद तीसरी में कल ये फिर 2 बजे बैठा है इसी हालत में। अब देखें अब उसके पास हिम्मत भी नहीं है, अभी नजर आ रहा है फिजी नहीं है, लेकिन उसकी दिलेरी देखें उसने आसमान नहीं छोड़ा, ये चीजें काउंट होती है। नान खान के साथ भी हुआ, उसकी एक मादा मतलब सुबह जब निकाली ना तो हाथ से उसने रखा नीचे यूं करके रखा, फिर उसको यूं करके चलाया कि चले तो वो चली नहीं, तो उन्होंने उसको उड़ा दिया तो 1.5 घंटा उड़ के आई है और आके बैठ के मर गई। और पिछले दो मतलब वो दूसरी फड़क से वो बता रहे थे कि हमें पता नहीं था कि ये प्रॉपर बीमार है, तो ये उड़ती आ रही थी हम और ऊपर से फिट थी हमने बाजियों में डाल दी बस यही था। और लेकिन ये दिलेरी है कि वो 11 बाजियां निकाल के जो है ना उनको लेके अब ये भी गर्मी में ताक आ गया था वो, लेकिन हमने अलग करम है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था उस्ताद जी के भी बहुत सारी ये नेक, तो वो हमने इसको अपनी तरफ सेट कर दिया था, लेकिन वो फिजिकली एक दिन में नहीं हो सका, लेकिन माशाल्लाह फिर भी वो कहने के वक्त दिलेरी इसकी है ना, इसने दिलेरी दिखाई है तो ये आसमान भी गया वापस भी आया। अच्छा फिर वहां जाके वापस भी आना, सुबह आसमान चला गया घर भी आना फिर वापस आना, सारा दिन दिल में खटका आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा आएगा जरूर चाहे यहाँ आके साथ गिर जाए, ये इसका मैंने कहा इतना इसमें जरूर है इस घर की इसका जरूर करेगा, और वही बात हुई ये ऊपर से वो बिल्कुल ऐसा आया पंखा बना वो और घर में पहुंच गए दोनों फिरते हैं। कुछ कहना चाहते हैं बहुत ज्यादा कमल भाई आपसे पूछना चाह रहा था, मुझसे क्या पूछना चाह रहा था, फिल्म चलाने ये जो बात ये कर रहे थे हम इसको ये अच्छा ब्लड भी कह सकते हैं? नहीं नहीं सर ब्लड तो हमारे दिलेरी तो है दिलेरी अच्छे ब्लड में ही होगी तो सब एक कबूतर के 3 बच्चे हैं ना एक उनसे पूछ रहा हूं उनका कोई एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा उस्ताद हैं सर उधर भी करें कैमरा यार मेरी तरफ से सर आइंदा नहीं मतलब आप आना चाहते अच्छा भाई क्वेश्चन वापस लिया नहीं नहीं बिल्कुल होती है सर ब्लड से स्टार्ट होता है ना काम लेकिन ये कि फिर उसके बाद आपने उसको कैसे चलाया आप, आपने तो मुझे एक अच्छा ब्लड दे दिया मैं ये कबूतर ले जाता हूँ वो तो वो चला रहे हैं मेहनत कर रहे हैं फर्ज करें ना एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये कबूतर जिसकी दिलेरी की बात करें ये मेरे घर चला जाता है आगे जो मैंने मादा उससे लगानी है उसके शरीर में पता नहीं दिलेरी है कि नहीं है स्ट्रक्चर और नस्ल हर चीज हम अच्छी लगा लेंगे वो कहीं ना कहीं उड़ी भी होगी लेकिन हो सकता है उसमें ये जो जेनेटिक्स में ये आदत और खसलतें भी आती है ना जीन्स तो ये बात मुझसे अमीर मुख्तार खान साहब ने भी की थी कि हम ये चीजें खसलतें देख के ज्यादा अब जोड़े लगाते हैं जिसम और ये चीजें तो खुद ब खुद बन गई तो जैसे वो बता रहे हैं अभी कहने लगे थे कि तो 3 बच्चे भी तीन बच्चे अगर हों एक इसी के साथ
उनमें से एक ज्यादा दलेर आएगा, दो थोड़े कम आ जाए, वो भी एक, वो एक उसकी अपनी जाती खूबी भी होती है, मतलब जीन्स वाइज उसे मिलती है। ये सारे हैं, इनमें वो डॉक्टर साहब है, वो पीएचडी डॉक्टर है माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बड़ी हाई फाई पढ़ाई है, उसके साथ ये एडवोकेट है, तो ये और ये हमारे जैसे हैं भाई। तो ये देखा ना, तीनों तीन भाई है, तीनों कैसे, तीनों में फर्क होता है, ये हर किसी में होता है, एक बहुत सुपर जीनियस होता है, एक जीनियस होता है, एक नॉर्मल भी हो सकता है उसके, लेकिन वो कबूतरबाजी में काफी जीनियस हो गया वो ज्यादा जी। हमारी कबूतरबाजी, मैं दोबारा कहता हूँ, जैसे एक लफ्ज भी हमने सीखा है ना जी, वो हम उसकी इज्जत करते हैं। अब मेरे लोकल उस्ताद है जसदीन साहब, हमने शुरू से ठीका था, लेकिन मैंने हमारी कबूतर साहब अगर 100% है ना, तो 80 पे जाके 80 पे हमारी कबूतरबाजी रोक गई थी, उससे आगे हमारी, वो आगे इसकी आगे कमाल है, वो आगे जो हमने कुछ चीजों पर रुके हुए थे मामला, वो इसकी वजह से हम आगे गए हैं। इसने आशिक साहब से भी आके शगिर्दी किए, मामला किए हैं, वहां से फॉलो किया, फिर आके खुद इसने एक्सपीरियंस किया, फिर हमने साथ भी चले हैं, वो मतलब यहाँ से आगे से इसकी अभी भी हमारी जो सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा, वो मतलब इसके कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो सहर बात है, फिर पूरी टीम मिलती है तो एक वो कामयाबी बनती है। अजमल भाई आपके बहुत शुक्रगुजार है, रात में हमारे मेहमान भी आए, उस्ताद जी की कोई जो है ना आप बताएं, कोई तारीफ हमारे उस्ताद जी ने बता दिया, हमने जो है ना, हमने उस्ताद जी के नाम किए, आशिक साहब के नाम है, तो वो शुरू से आइडियल भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि अब वो आइडियल वाली बात जो है ना वो हमारी और पीछे चली गई कि जी जनाब वाला काम ही खत्म हो गया, अब तो दोस्ती हो गई है, और उनकी ये आदत मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो जिसके साथ मिलते हैं अगर कोई उनसे कुछ सीखना चाहता है ना, वो शागिर्द ना भी हो तो वो सिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि उनके पास बैठ के ना आपको गैरियत और ऐसा महसूस होता है कि आप यहाँ मेहमान आए, ऐसा लगता है आप अपने घर में बैठे, तो ये उनकी बड़ी अच्छी बातें हैं। और जहाँ तक कबूतरबाजी की बात है तो वो पूरी दुनिया उनके नाम को जानती है। देखें जी, हर दफा जो भी चैंपियन होता है पंजाब में हो, जैसे एक दफा उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी का लाजमी जो है ना नाम बोलता है, चाहे सरदेशा में हो, चाहे मंडी बाउदीन में हो, कहीं पे हो, और चाहे जहाँ पे हो, पिछले साल इमरान से टूर्नामेंट थे वहाँ से, बिल्कुल, और इस साल आप लोगों ने यहाँ से देखिए पूरे सियालकोट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है उसमें भी दो दफा उस्ताद जी के शिखर चैंपियन आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और माशाल्लाह जी उस्ताद जी की मेहरबानी है,